Jo, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic concept of cost. First of all, what do you mean by the cost? It refers to the expenditure incurred by a producer on the factors as well as known factor inputs for a given out of a commodity. यानी इनपुट्स और नॉन इनपुट्स फैक्टर्स पर इनपुट्स प्लस नॉन इनपुट्स फैक्टर नॉन इनपुट्स फैक्टर्स इन पर जो भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है देन दीज आर कॉल्ड द कॉस्ट. इनपुट्स में भी इंक्लूड द प्रोडक्शन फैक्टर. इनपुट्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसको इंक्लूड करते हैं. यानी प्रोडक्शन फैक्टर हमारे पास चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द इनपुट्स ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर. एंड नॉन इनपुट फैक्टर्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं? इनके अलावा जो कुछ बच गया, फॉर एग्जाम्पल रॉ मेटीरियल्स and other small inputs, these are included in the known inputs factors. तो इन सभी की हेल्प से एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है. इट मीन्स इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर बाई द प्रोड्यूसर ऑन इनपुट्स प्लस नॉन इनपुट फैक्टर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. यानी एक अकाउंटिंग ईयर में इनपुट्स और नॉन इनपुट फैक्टर्स पर जो भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है देन दीज आर कॉल्ड द कॉस्ट. अब इसमें देखिए बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट इज द वैल्यू ऑफ इट्स सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी इट इज द वैल्यू ऑफ इट्स सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस. या इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, opportunity cost is the sum total of the explicit cost plus implicit cost. इन दोनों का sum total होता है, क्या कहलाता है ये? Opportunity cost कहलाता है. Then first of all, what's the difference between the explicit cost and implicit cost? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परचेजिंग सम इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट्स. यानी जब प्रोड्यूसर मार्केट से इनपुट्स या नॉन इनपुट फैक्टर्स को परचेज करता है देन दीज आर कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इट्स सेल्फ ओन रिसोर्सेज. यानी उसके स्वयं के जो साधन होते हैं, सेल्फ ओन रिसोर्सेस, उसके स्वयं के जो साधन होते हैं यानी इसमें परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम मार्केट. यानी मार्केट से जब इनपुट्स को परचेज किया जाता है then the payment also provided to the outsider. But it is the cost of their self-owned resources. यानी जो producers होता है, जो businessman होता है, उसके पास जैसे स्वयं का land है, self-owned land है, self-capital है, उसकी स्वयं की पूंजी है, यानी उसे बाहर से लेनी नहीं पड़ती, loan नहीं लेना पड़ता, hire नहीं करना पड़ता land, तो उसका जो rent या interest है वो स्वयं उसी producers के पास आएगा. So these payment does not provide to the outsider. यानी जो implicit cost होती है उसमें जो payment है वो किसी outsider को provide नहीं होती, ये उसके स्वयं के resources की लागत होती है. और इसके साथ साथ जैसे for example में हम दे सकते हैं, जैसे casual labors यानी wages to the casual labors, right? यानी interest, loan which are taken by the producer from the bank. अगर वो loan bank से लेता है तो उस पर जो interest pay किया जाता है these are also called the
इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये क्या कहलाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स है, वेजेस टू द कैजुअल लेबर्स है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट में सेल फोन, लैंड है, सेल्फ कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ कैपिटल है, हिज फैमिली मेंबर वर्किंग इन हिज कंपनी, यानी उसके खुद के फैमिली मेंबर अगर उसी की कंपनी में काम करते हैं तो उसे आउटसाइडर को पेमेंट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, वो घर में ही रहती है। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखिए बेटा, ये कंप्लीट जो चैप्टर है ये शॉर्ट रन से रिलेटेड है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस होता है, यानी शॉर्ट रन इन विच वन फैक्टर इज ए वेरिएबल एंड अदर आर कॉन्स्टेंट, यानी जिसमें एक फैक्टर वेरिएबल होता है, इसमें सबसे पहले हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करेंगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस होता है, इन द शॉर्ट रन वन फैक्टर इज ए वेरिएबल, वन फैक्टर इज ए वेरिएबल वेरिएबल एंड अदर आर कॉन्स्टेंट, अदर आर कॉन्स्टेंट। और इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, देर आर नो कॉन्स्टेंट फैक्टर या फिक्स्ड फैक्टर। यानी लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं और शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। सो दिस चैप्टर रिलेटेड टू द शॉर्ट रन, यानी इस चैप्टर को हम किससे रिलेटेड लेंगे, शॉर्ट रन से रिलेटेड लेंगे। ये कंप्लीट चैप्टर शॉर्ट रन से रिलेटेड है। अब देखें ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द सप्लीमेंट्री कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ओवरहेड कॉस्ट, और हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसी प्रकार से वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम कॉस्ट, इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्ट कॉस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में, यानी फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट या दोज एक्सपेंडिचर विच आर एक्सपेंस बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फिक्स्ड असेट्स, यानी जो फिक्स्ड असेट्स पर प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। या हम कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डज नॉट चेंज व्हेन आउटपुट चेंज, यानी जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, देन देयर इज ए नो चेंज इन द फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमेशा फिक्स रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इट स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स, और प्रोडक्शन शुरू होने से पहले इसको एक्सपेंड किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट और मशीन, राइट। इसी प्रकार से जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, यानी इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स वगैरह, या हम कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डस चेंज्ड व्हेन प्रोडक्शन चेंज, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होता जाता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती जाती है। प्रोडक्शन जीरो होगा वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, राइट। इट स्टार्ट्स व्हेन प्रोडक्शन स्टार्ट्स, और ये केवल तभी स्टार्ट होता है जब प्रोडक्शन शुरू होता है, जैसे एज ए एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल्स, एक्सपेंडिचर फॉर परचेजिंग द कैजुअल लेबर्स, राइट। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में आ जाते हैं। सो ये तीन चार कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट के एग्जांपल, एज ए फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, और कंप्लीट जो चैप्टर है वो शॉर्ट रन से रिलेटेड है जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, फॉर द फर्दर कनेक्शन प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।